आज ही के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को, हिंदी में हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास उसकी तृतीया को आज ही के दिन सन 1540 को महाराणा प्रताप जी का जन्म राजस्थान प्रांत के मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। वे बहुत ही वीर प्रतापी, शौर्य और पराक्रम से धनी थे। उस समय जब उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी, तो आप सभी ने सुना होगा हल्दी घाटी का युद्ध। उस समय जब भारत पर मुगल आक्रांता अकबर का शासन हुआ करता था, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हल्दी घाटी उसकी भूमि को हल्दी के समान थी, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना ने, जो उस अकबर की सेना की चौथाई सेना थी, उनके पास जैसे अकबर की सेना के पास 80,000 सैनिक थे, तो अकबर अपने महाराणा प्रताप जी के पास मात्र 20,000 की सेना थी, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप जी के शौर्य और पराक्रम से मात्र उन सैनिकों ने उस 80,000 की सेना को धूल चटाई थी और उस हल्दीघाटी के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। महाराणा प्रताप जी की शौर्य और पराक्रम की बात करें तो उनका जो कद 7.5 फुट, आज हम सामान्य रूप से कल्पना भी नहीं कर सकते कि 7.5 फुट उनका कद था, और उनके जो युद्ध में जो औजार अस्त्र शस्त्र प्रयोग किया करते थे, वो उनका 72 किलो का भाला और 81 किलो की ढाल, अर्थात जो यहाँ पर युद्ध भूमि में जाते हैं तो ढाल रक्षा कवच के रूप में धारण करते हैं। तो इस तरह से जब वो युद्ध भूमि में जाते तो लगभग 2 क्विंटल का अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर धारण किए हुए रहते थे। 2 क्विंटल, समझते हो आप कितना शौर्य और पराक्रम हुआ होगा, कितना उनमें उनका जो शरीर कितना सौष्ठव भरा होगा। तो उस प्रकार से युद्ध करते थे, और सामने वाले जो दुश्मन था उसको बीच में घोड़े सहित अपनी तलवार से बीच में से काट दिया करते थे, इतना उनका शौर्य और पराक्रम था। तो उस प्रकार से हल्दी घाटी के युद्ध में इस प्रकार से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और उनका घोड़ा जिसका सभी ने नाम सुना होगा, चेतक घोड़े ने वो उनका साथ दिया। वो भी एक बहुत विशालकाय घोड़ा था, जब वो युद्ध भूमि में जाते थे तो इतना विशालकाय था, उसके आगे हाथी का मुकुट लगाकर जाते थे, जिससे कि सामने वाला हाथी दिग्भ्रमित हो जाए, इतना विशाल उसका शरीर था उस घोड़े का। और अंत तक महाराणा प्रताप का उस घोड़े ने साथ दिया। जब आगे बढ़ते जाते हैं तो हमने सुना होगा कि उन्होंने महान महाराणा प्रताप ने उस अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, और जीवन पर्यंत अपनी शौर्य और पराक्रम से उसको धूल चटाते रहे, कभी भी उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और इस प्रकार से आगे जब वो एक युद्ध था, इसी प्रकार से जब वो आगे जाते रहे तो कई प्रकार से ऐसी घटनाएं सामने आई। इसी प्रकार से सामने आता है कि धीरे धीरे हमको भामा शाह जब एक उनका सहयोगी था, तो आपने सुना होगा कि घास फूस की रोटियां खाना भी मंजूर किया, लेकिन उस अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। हमने इतिहास में पढ़ते हैं कि अकबर को महान बताया जाता है, लेकिन अकबर महान नहीं था। महान कौन थे? हमारे महाराणा प्रताप। हमारे कुछ ऐसे वामपंथी और अंग्रेजी साहित्यकार थे, उन्होंने इसमें उस इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। हमें पाठों में यही पढ़ने को मिलता है कि अकबर महान था, लेकिन अकबर महान नहीं था। महान कौन थे? हमारे महाराणा प्रताप। हमें उनकी जहाँ भी जीवनी पढ़ने को मिले, जहाँ भी उनका परिचय पढ़ने को मिले, हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए, और उनकी जो उन्होंने शौर्य और पराक्रम का से अपने बलिदान दिया, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अंत में 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि जब भी हमारा शौर्य सो जाए तो हमें महाराणा प्रताप की जीवनी को पढ़ लेना चाहिए। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। दो पंक्तियां दोहराएंगे मेरे साथ हैं। छोटी सी एक सेना लेके राणा लड़ता मुगलों से, छोटी सी एक सेना लेके राणा
छोटी सी एक सेना, जोर से जोश के साथ, छोटी सी एक सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से, छोटी सी एक सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से, आंखों में ज्वाला है, आंखों में ज्वाला है, हाथों में भाला है, हाथों में भाला है, ये देखो देखो चेतक हाथी के मस्तक पर चढ़ गया, देखो देखो चेतक हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। अब उसके बाद करना है अपने को टप 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 सूर्या, टप 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 सूर्या, छोटी सी एक सेना लेके राणा लड़ता मुगलों से, छोटी सी एक सेना लेके राणा लड़ता मुगलों से, हाथों में भाला है, आंखों में ज्वाला है, ये देखो चेतक हाथी के मस्तक पर चढ़ गया, टप 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 सूर्या। दोनों कट्टे कर ले, आ जाओ सभी, आ जाओ एक बार, आ जाओ।